नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बालू के अवैध खनन, भंडारण और बिक्री में नकेल कसने की तैयारी। भारत ने पांचवी बार जीता अंडर 19 विश्व कप। आरपीएफ ने ट्रेन से बरामद किया सैकड़ों कछुए। बिहार की जनता मार्च में बताएगी शहर की सफाई का हाल। स्वर कोकिल लता मंगेशकर ने दुनिया को कहा अलविदा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बालू के अवैध खनन, भंडारण और बिक्री में नकेल कसने की तैयारी। बिहार में जल्द ही अवैध बालू खनन और बिक्री पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि बीते कई समय से भले ही सरकार अवैध बालू खनन पर रोक लगाने की कवायद कर रही हो, लेकिन अभी भी अवैध बालू खनन पर कोई रोक लगता नहीं दिखाई दे रहा है। खबरों के अनुसार सरकार अब बड़ा हाथ मारने की तैयारी में है। यही कारण है कि अब इस धंधे से जुड़े उन हाई प्रोफाइल चेहरे, समाजसेवी और नेता की बारी है। राज्य सरकार ने ऐसे सफेदपोश चेहरों के खिलाफ पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में बालू खनन से जुड़े 10 बड़े संदिग्ध लोगों के नाम शामिल है। इसके साथ ही रिपोर्ट को सेंट्रल रेंज के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर बनी 5 टीमों ने बालू के अवैध कारोबार से जुड़े इन 10 चेहरों के खिलाफ लंबी छानबीन के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। बिहारवासियों को कपकपाती ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत। बिहार में कहने को फरवरी का महीना आ गया है। वसंत पंचमी भी गुजर चुका है, लेकिन ठंड का सतम जस का तस ही है। मौसम विभाग की माने तो अभी बिहार वासियों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और अधिकता राज्य के मौसम को प्रभावित कर रही है। जलवायु और मौसम के जानकार इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को एक बड़ी वजह भी मान रहे हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा बताते हैं कि इस परिवर्तन ने न केवल मानसून सीजन को बल्कि शीतकालीन सत्र को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसमविदों का पूर्वानुमान है कि अगले एक हफ्ते बाद मौसम फिर से करवट बदलेगा, फिर से सूबे में बारिश की परिस्थिति बन सकती है। इस आकलन के मुताबिक ठंड अभी जमेगी ही और फरवरी अंत तक इसका प्रभाव रहने के आसार हैं। सीसीए की बिहार में होगी ऑनलाइन निगरानी। गृह विभाग ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि सीसीए के तहत की गई कार्रवाई की जिलावार रिपोर्ट तलब की है। हालांकि ये आदेश यूं ही जारी नहीं किया गया है, बल्कि पिछले दिनों गृह विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में इस पर विमर्श हुआ था। इसमें ही सभी जिलों की रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर डालने का आदेश जारी हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब हर महीने की 1 से 5 तारीख तक नई सूची जारी करने की तैयारी हो रही है। ये बनाकर गृह विभाग के अवर सचिव को उपलब्ध कराने का निर्देश भी प्रशाखा पदाधिकारी को दे दिया गया है। ध्यान रहे, जिन जिलों की रिपोर्ट नहीं डाली गई है उन सभी जिलों के नोडल अधिकारियों के फोन नंबर के साथ पूरी सूची भी गृह विभाग के अवर सचिव को उपलब्ध करानी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि लोक शांति बनाए रखने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलाधिकारियों द्वारा कुख्यात अपराधियों पर लगाए जाने वाले निरुद्धादेश की कार्रवाई की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने का आदेश जारी किया गया है। भारत ने पांचवी बार जीता अंडर 19 विश्व कप। भारत की यंग ब्रिगेड ने हम भारतीयों का सर एक बार फिर से ऊंचा कर दिया है। वेस्ट इंडीज में चल रहे अंडर 19 विश्व कप में भारत की टीम ने फतह हासिल कर ली है। इसी के साथ भारत ने लगातार पांचवी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया है। भारत सबसे ज्यादा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम भी। अभी तक भारत ने 8 फाइनल खेले हैं, इसमें से हमने 5 जीते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच वेस्ट इंडीज के एंटीगा के कुलीज क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। मैच में भारतीय टीम ने धमाकेदार खेल का प्रदर्शन किया। टीम ने इस दौरान इंग्लैंड जैसी विशाल टीम को 4 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में 500 के स्ट्राइक रेट से 4 गेंद में 2 चौके और 2 छक्के लगाने वाले भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश बाना एक बार फिर से वर्ल्ड कप के फाइनल में छा गए। दिनेश बाना एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल में 47वें ओवर में 3rd और 4th गेंद पर छक्का लगाते देखे गए। उनके पहले छक्के से टीम इंडिया ने इंग्लैंड के स्कोर की बराबरी कर ली और दूसरे छक्के के बाद टीम ने जीत हासिल की। पटना के 3 डॉक्टरों को दिल्ली में किया गया सम्मानित। माघ मेला इलाहाबाद फिजियोथेरेपिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित फिजियोथेरेपी शिविर में बिहार के पटना निवासी एम्स में कार्यरत फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन के साथ पटना के वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार और बिहार सरकार में कार्यरत डॉक्टर मृत्युंजय कुमार को भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवार्ड के लिए जो फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर संतोष पांडे का भौतिक चिकित्सा को आभार व्यक्त करते देखे गए और उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मान इन्हें प्रेरणा देती हैं कि वो स्वास्थ्य जगत के क्षेत्र में अपना सर्वोच्च समाज के स्वास्थ्य लाभ के लिए देते रहे। बिहार की जनता मार्च में बताएगी शहर की सफाई का हाल। बिहार के जिले साफ है या नहीं इसकी जानकारी बिहार की जनता मार्च महीने तक देगी। इसको लेकर बिहार के शहरी निकायों में मार्च से 600 अंकों की परीक्षा शुरू होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसमें जनता खुद शहर की सफाई व्यवस्था का हाल बताने वाली है। जानकारों की माने तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत 1 मार्च से सिटीजन फीडबैक अभियान शुरू हो जाएगा। इसके लिए 11 सवालों का समूह तैयार किया गया है, जिसमें से 4 सवाल
रैंडम पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब हाँ या ना में देना होगा। ज्ञात हो स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान जनता से 6 माध्यमों से शहर का हाल पूछा जाएगा। इसमें फेस टू फेस, वोट फॉर योर सिटी पोर्टल, 1969 हेल्पलाइन नंबर, QR तकनीक, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 पोर्टल और स्वच्छता ऐप शामिल है। जानकारी के मुताबिक सिटीजन फीडबैक के सवाल कचरा प्रबंधन और स्वच्छता जागरूकता से जुड़े होंगे। बिहार में कोरोना के मामलों में फिर दिखी गिरावट। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे के अंदर कुल संक्रमितों की बात करें तो 442 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जितने संक्रमित मिले हैं उसमें ज्यादा 761 लोग संक्रमण मुक्त हो गए हैं। अब राज्य में कोरोना की संक्रमण दर 0.32% जबकि रिकवरी रेट 98.17% हो गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 7, औरंगाबाद में 7, बांका में 4, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 10, भोजपुर में 11, बक्सर में 14, दरभंगा में 6, पूर्वी चंपारण में 9, गया में 1, गोपालगंज में 18, जमुई में 7, जहानाबाद में 1, कटिहार में 6, किशनगंज में 4, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 39, मधुबनी में 3, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 15, नालंदा में 4, नवादा में 3, पूर्णिया में 18, रोहतास में 9, सहरसा में 27, समस्तीपुर में 16, सारण में 6, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 7, सुपौल में 16, वैशाली में 8 और पश्चिम चंपारण जिले में 17 नए संक्रमित मिले हैं। अन्य राज्य में 5 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। बिहार में श्रमिकों के हित में निकायों से होगी सेस की वसूली। बिहार भवन और अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बीते दिन की गई, जो कि श्रम संसाधन विभाग की तरफ से मंत्री जिवेश कुमार ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य के श्रमिकों के हित में सेस की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। इसके लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत से नियमित अनुश्रवण कर सेस यानी कि उपकर की वसूली होगी, क्योंकि ये वो है जो निर्माण लागत का 1% श्रमिकों के हित में देना अनिवार्य है। इस दौरान उन्होंने कहा कि निलंबित कामगारों को लाभ दिए जाने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आर्थिक लाभ पहुँचाने हेतु सेस की वसूली आवश्यक है। उन्होंने अफसरों को सेस वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी और गैर सरकारी निर्माण में निर्धारित सेस राज्य के प्रमुख शहरों और जिलों के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर से की जाती है। नवगठित नगर निकाय में शुरू हुआ वार्ड का परिसीमन। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार बिहार के नवगठित नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन को शुरू कर दिया गया है। 3 फरवरी से शुरू इस काम को 10 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। इसी के साथ आयोग ने हर स्तर के काम की तारीख तय कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार नवगठित वार्डो के प्रारूप का प्रकाशन 11 फरवरी को होगा। इसके बाद 24 फरवरी को इस संबंध में आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं 26 फरवरी तक आपत्तियों का निष्पादन कर 8 मार्च को जिलों के गजट में प्रकाशित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को हर हाल में यह सूची नक्शे के साथ 11 मार्च तक दी जानी है। आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी हाल में धर्म और जाति के आधार पर वार्ड का गठन नहीं करना है। आरपीएफ ने ट्रेनों से बरामद किया सैकड़ों कछुए। शनिवार की रात आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने 19,305 अंबेडकर नगर एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर 935 कछुए बरामद किए हैं। साथ ही 5 महिला समेत 8 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इसमें से एक तस्कर बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है, बाकी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। मामले को लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर मृणाल कुमार ने बताया है कि कंट्रोल रूम में उन लोगों की सूचना मिली थी। इसके बाद वो लोग नवगछिया वन विभाग को सूचना देने पहुंचे। बताया जा रहा है कि रात 11:23 पर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस ट्रेन नवगछिया स्टेशन पहुंची। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही आरपीएफ नवगछिया और वन विभाग की टीम ने साथ मिलकर आरपीएफ इंस्पेक्टर ने छापेमारी की। इस दौरान स्लीपर से लेकर के जनरल बोगी तक की जांच की गई। तस्करों ने बोरी में कछुए को अलग अलग बोगी में छुपाया हुआ था। सांसद निधि खर्च करने में उदासीन है बिहार के सांसद। सांसद निधि को खर्च करने में ज्यादातर सांसदों का रवैया उदासीन रहा है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र की तरफ से सांसदों को क्षेत्र के विकास के लिए निधि आवंटित थे। निधि में 7, 5 और 2.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन ज्यादातर सांसदों ने सांसद निधि में खर्च नहीं किया है। इसमें खासतौर पर उत्तर बिहार के सांसद फिसड्डी साबित हुए हैं। मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने 100% सांसद निधि को खर्च किया है, उनके पास बहुत कम राशि बची रह गई है। वहीं वैशाली सांसद वीना देवी के पास 2,60,00,000 बचे हैं, जबकि शिवहर सांसद रमा देवी के पास 5 करोड़ में से 1,85,00,000 की राशि बची है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री भी सांसद निधि को खर्च करने में पीछे हैं। 40 सांसदों में से कई सांसद केंद्र में मंत्री हैं, मंत्री सांसद निधि को खर्च करने में तत्पर नहीं दिखे हैं। बिहार की बंद चीनी मिलों को 2,500 एकड़ जमीन पर होगा उद्योग।
बिहार की चीनी मिलों की 2500 एकड़ जमीन पर होगा उद्योग। बिहार की चीनी मिलें काफी समय से बंद है, जिसके तहत ही अब करीब 2500 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाने की तैयारी हो रही है। इसके संकेत सूबे के गन्ना उद्योग सह विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने दिए हैं। इस बाबत बीते दिन उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन पर उद्योग स्थापित करने का काम जल्द ही किया जाएगा। बीते दिन बेतिया पहुंचे मंत्री ने कहा है कि जमीन को बियाडा को हस्तगत कराया गया है, जहां पर विभिन्न तरह के उद्योग लगाने के लिए नियमानुसार जमीन आवंटन होगा। इस मद में बियाडा को करीब 2500 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। जिन बंद पड़ी चीनी मिलों पर किसान का बकाया है, उसकी नीलामी कर किसानों के बकाए का भुगतान किया जाएगा। एमएलसी चुनाव में चाचा पारस को चुनौती देंगे चिराग। पंचायत के बाद अब बिहार में एमएलसी चुनाव की तैयारी जारी है, जिसके तहत ही सीटों को लेकर बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चाओं का दौर देखने को मिल रहा है। हाल ही में भाजपा और जदयू के बीच हुए बंटवारे के बाद राष्ट्रीय लोजपा को भी एक सीट मिली थी, जिस पर पशुपति पारस की पार्टी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं अब अपने चाचा के खिलाफ ही प्रत्याशी को मैदान में उतारने चिराग आ गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ऐलान कर दिया है कि एमएलसी चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार चिराग पासवान द्वारा 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, जिसमें वैशाली सीट भी शामिल है, जहां पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पार्टी की तरफ से भूषण रॉय को उम्मीदवार बनाया है। चिराग पासवान की पार्टी ने फैसला किया है कि वो चाचा पारस के प्रत्याशी के सामने अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तेजस्वी ने अखिलेश की जीत पक्की होने का किया दावा। कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी जोर आजमाइश में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय है। बीते दिन शादी समारोह में भाग लेने हाजीपुर पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मन बना लिया है। जो नफरत की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनको यूपी की जनता इस बार सबक सिखाएगी। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा की 403 सीटों पर चुनाव 10 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को कहा अलविदा। जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। कोरोना की कर्कश आवाज भारत की स्वर कोकिला को लील गई। आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर कोरोना से जंग हार कर दुनिया को विदा कह चुकी है। आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। स्वर कोकिला, दीदी और ताई जैसे नामों से लोकप्रिय लता जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। फैंस से लेकर के हर कोई शुभचिंतक उनके ठीक होने की दुआ मांग रहे थे, लेकिन आज इस बुरी खबर से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया है। सैकड़ों कालजयी गानों को अपनी आवाज देने वाली लता जी आज अनंत यात्रा पर चले गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लता जी की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद ही अब केंद्र सरकार की तरफ से 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है इंद्रदेव महतो, परफेक्ट यूट्यूब चैनल बाय पप्पू, नुन्नू कुमार, बैजू यादव, शंकर मुखिया, प्रेमराज, पृथ्वीराज, शंकर कुमार, मुकेश कुमार, दिव्यांशु रवि, कैलाश कुमार, राज आर्यन, दिव्यांशु कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपको स्वर्गीय लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।